So we will discuss today the how to prepare asset account in depreciation chapter. How to prepare asset account? Asset account is a kind of ledger account only. So this is about the format of asset. Debit side, credit side. थोड़ी सी लाइन मैंने बोल्ड की हुई है जिस ledger में हम करते हैं. This is the differentiating line between two sides. To the left of this it is the debit side and to right of this is credit side. Format is same on both the sides. Date, particular, journal folio. Why journal folio? Because it is ledger account. Amount, date, particular, journal folio and amount. दोनों side. अब जब debit side में हमने क्या क्या entries record करनी है. Asset is debited in case of, think about modern approach. Raise hand. Modern approach of debit and credit. Rules of debit and credit आपको याद होगा, बहुत पहले हमने किया था. अप्लाई आप कर रहे हो 6 महीने से या चाहे पहले था. एसेट इज डेबिटेड इन केस ऑफ परचेज मींस इंक्रीज. जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करते हैं. इंक्रीज कब होगी? ये इधर इंक्रीज आएगा डेबिट साइड में, इधर डिक्रीज आएगा. आई होप आई एम क्लियर, है ना. इंक्रीज कब होगी? जब एसेट को, जैसे वंशु ने कहा, हम परचेज करते हैं, ठीक है. डिक्रीज कब होगी? जब उसको या सेल करते हैं या फिर डेप्रिशिएट करते हैं. एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन से भी कम होती है, सेल से भी कम होती है, और परचेज की जो वैल्यू है एसेट की वो बढ़ती है. अब जब हम एसेट को सेल करते हैं तो हमें पता है कि सेल पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. अगर लॉस हो तो वो क्रेडिट साइड आएगा, लॉस ऑन सेल, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है. अगर सेल करते वक्त प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ऑन सेल, डेबिट साइड आ जाएगा. बस ये 5 चीज याद रखनी है आपको, कुछ नहीं करना होगा. बाकी सारी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन जितनी आपकी फास्ट होंगी, जितनी आपकी एक्यूरेट होंगी, उतना ही सम जल्दी हो, ठीक है. डेबिट में क्या आया? इंक्रीज इन एसेट. इंक्रीज कब होगी? जब हम परचेज करेंगे या प्रॉफिट ऑन सेल. क्रेडिट में आया डिक्रीज. डिक्रीज मींस डेप्रिसिएशन, सेल या लॉस ऑन सेल. ये 5 चीजें हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं. करें हम करें मैं सम लिखवाऊंगा आपको, बुक वाला सम बाद में करेंगे, पहले मैं सम लिखवाऊंगा अपना. लिखिए प्लीज. अ कंपनी परचेज्ड एन एसेट वर्थ रुपीज 1 लाख, वर्थ रुपीज 1 लाख ऑन 1st April 2017 एंड sold it on 30th September. परचेज किस ईयर की है? 17 में 30th September 2019. और परचेज प्राइस क्या था? 30th September 2019 4 rupees 60,000. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. मशीनरी ही परचेज की है ना. क्या लिखा है नाम एसेट का? एसेट लिखा है, मशीनरी कर लीजिए उसको, मशीनरी है. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर एंड the asset and the books of accounts are closed on and the books of accounts are closed on 31st March every year. ये तो लाइन ला भी लिखी होती ना, सपोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, तो भी आपने इसको ही मानना है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. अगर कुछ और बताया गया हो तो अलग बात है. बिकॉज मेनली जो फर्म्स होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं. फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल टू मार्च. कई फॉर्म होते हैं कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, दैट इज जनवरी टू दिसंबर. लेकिन जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो नहीं मानती हैं कैलेंडर ईयर को, वो मानती हैं सेशन को, अप्रैल टू मार्च वाला, ठीक है. ये बात अगर सम में लिख दिया है फिर तो क्लियर ही है. अगर नहीं लिखा होगा तो इट इज एज्यूम्ड दैट
the books of accounts are closed on 31st March. And 31st March is very important date because this is the account closing date. Means इस दिन हमने asset को depreciate करना है. हम बीच के entries जो कर रहे थे ना, asset depreciated, asset depreciation close, दो entries कर रहे थे ना अपने पास थी जो, वो हमने हर साल करनी है on 31st March. जब तक हमारे पास एसेट है, क्लियर करें, ठीक सब. अब ये देखिए यहाँ पे साल कितने बन रहे हैं. एक हमारा ईयर बन रहा है 14, कब परचेज की 17 से लेकर 31st मार्च 18 तक. एक हमारा ईयर बन रहा है 14 18 से लेकर 31st मार्च 19 तक. और एक बन रहा है 14 19 से लेकर 31st मार्च 20 तक. तीन साल बन रहे हैं हमारे, है ना, यही बन रहे हैं ना. लेकिन 20 वाली डेट आने से पहले एसेट सेल हो गई थी, ऐसा ही है ना. इस ईयर में बिजनेस ने एसेट परचेज की है, इस ईयर में बिजनेस ने कुछ भी नहीं किया, ना परचेज की ना सेल करी, इसमें बिजनेस ने उस एसेट को सेल कर दिया. अब जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो हम हर इस दिन को क्लोजिंग डेट को एसेट को डेप्रिशिएट करके बैलेंस निकालेंगे. हम करते हैं, सम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, परचेज करने से. परचेज से स्टार्ट हो रहा है, कंपनी परचेज एन एसेट ऑन 1st April 17. तो परचेज की एंट्री किस साइड आएगी, डेबिट साइड. एंट्री क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एसेट. इसकी पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, मशीनरी की डेबिट में टू मशीनरी डेबिट टू बैंक, सॉरी टू बैंक आ जाएगा. 1/4/17 को टू बैंक रुपीज 1 लाख, ठीक है. ये इसके बाद इस साल में, ये साल कौन सा है, 1/4/17 से लेकर 31st March 18. कंपनी ने कुछ किया, किया मतलब कोई परचेज या सेल करी, कुछ और कुछ नहीं किया. तो क्या करेंगे हम, इस डेट को जाके एसेट को डेप्रिशिएट कर देंगे. मींस एट द एंड ऑफ एवरी ईयर द एसेट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 31st March 18. किस साइड आनी है ये डेप्रिसिएशन, डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी, क्रेडिट साइड. और यहाँ हम डेट डालेंगे 31st March 18 बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10%, 10,000. 10,000 ही आया, 1 लाख की एसेट थी और उसने कहा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज हाउ मच, सब में कितना दिया है रेट, 10%, 10%, 10,000 आ गया. और इस डेट को हम, बिकॉज दिस इज द अकाउंट क्लोजिंग डेट, 31st March हम चार्ज कर रहे हैं ना, सेम डेट इज अकाउंट क्लोजिंग डेट, विच मीन्स इस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है. क्लोज करना मतलब उसका बैलेंस निकाल देना. हमारी एसेट कितने की थी, 1 लाख की, कितने से कम हो गई. अब एसेट की वैल्यू क्या है, 90. इसका हम जब लेजर में बैलेंस निकालते थे, कैश बुक में निकालते थे, ऐसे ही इसका 90,000 बैलेंस निकाल के टोटल लिख दीजिए 1 लाख. आपका फर्स्ट ईयर जो है वो ओवर हो गया, फर्स्ट ईयर. तीन साल बनेगा ये अकाउंट, इसी में ही तीन साल तक बनेगा ये, देखो सम में तीन साल दिए हमने. फर्स्ट ईयर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा. हाँ जी, हाँ जी, करेंगे फर्स्ट ईयर में. प्रोटोन नेक्स्ट ईयर में आ रहा है ना, वहां भी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कॉर्पोरेट उसको करेंगे अभी हम, ठीक है. ये पॉइंट है ना, अगला साल शुरू करते हैं. अगला साल कौन सा है, 1/4/18 से लेकर 31st March 19. जब भी नया साल शुरू करना है, पहले पिछला बैलेंस जो क्लोजिंग था उसको एज ओपनिंग लेके आएंगे और अपोजिट साइड लेके आएंगे. डेट बन जाएगी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डेट 1/4/18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, ठीक है. ये आ गया. इसके बाद इस साल तो नहीं बिजनेस ने सेल करी, इस साल तो नहीं सेल करी. बिजनेस चाहे सेल करे चाहे ना करे, एसेट तो है बिजनेस के पास, डेप्रिशिएट जरूर करनी, ठीक है. ये ईयर का एंड हो रहा है 31st March 19 को. इस 12 महीने के पीरियड में बिजनेस ने कुछ नहीं किया, डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट क्रेडिट साइड करेंगे. यहाँ पे डेट लिखेंगे 31st March 19 बाय डेप्रिसिएशन अगेन 1 लाख का 10%, 10,000. अगेन 1 लाख का 10%. I am emphasizing on this 1 लाख का 10% because it is original cost method. याद है ना, कितने की परचेज की थी, 1 लाख की. इस साल 1 लाख पे लगाया, इस साल भी 1 लाख पे लगाएंगे. If suppose it would have been the method reducing balance method, तब हम कितने पे लगाते हैं, तब 90 पे लगाते हैं. वो मेथड हम बाद में करेंगे, अभी हम 1 लाख वाला कर रहे हैं ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. अब इसका हम फिर बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन एसेट का 80,000 टोटल लगा देना. यहाँ पर यहाँ टोटल लगाना है आपने 90,000 and 90. क्लियर है पॉइंट. इट मींस इस डेट को, ये बैलेंस दिखाना मतलब क्या है,
इस डेट को एसेट की वैल्यू 80,000, दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, है ना। मैं अगर मैं कहूँ पोस्ट प्राइस क्या था जिस दिन परचेज की थी बन गया, वट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31st March 18, एसेट बुक वैल्यू वॉज 90,000। वट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31st March 19, 80,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। इसकी इतनी वैल्यू है थर्ड ईयर, ये वाला थर्ड ईयर में पहले हम 1/4/19 को ओपनिंग बैलेंस लेके आएंगे 1/80,000। यहां तक प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा। एसेट को परचेज कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ओपनिंग लेके आ रहे हैं, पहले साल टू बैंक लिखना है, अगले साल बैंक नहीं लिखना है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है। परचेज नहीं कर रहे हैं, परचेज एक बारी कर ली थी, बैंक बैलेंस कम हो गया था, 90 का था, 10 माइनस हुआ 80 हो गया, 80 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। इस साल बिजनेस ने क्या किया है, सेल की। जब भी आपने सेल करनी है एसेट, याद रखना सेल डायरेक्टली नहीं कर देनी है, सेल करने से पहले एसेट को डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि हमने उस साल में एसेट को यूज किया होगा। कब हमने एसेट को सेल किया है, सितंबर 30th को। आप देखिए परचेज यहां से की थी हमने, इस एक साल की लग गई डेप्रिसिएशन, इसकी भी लग गई डेप्रिसिएशन, तो इस साल की डेप्रिसिएशन राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ईयर 1/4/19 अप टू डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल इज 30th September। हमने एसेट को यूज किया, कितने महीने बनते हैं, 6 months। एसेट को पहले डेप्रिशिएट करेंगे, एंड एसेट इज ऑलवेज डेप्रिशिएटेड फॉर द टाइम पीरियड फॉर विच इट हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। एसेट को सारे साल का डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अब एसेट देखो, हमने ऊपर सारा साल किया, यहां भी सारा साल किया, यहां सारा साल नहीं करेंगे, यहां हमने सारा साल यूज ही नहीं करी, हमने यूज 6 months की है, तो हम 6 months करेंगे। सेल करने से पहले याद रखना सेल के पॉइंट्स, पहले डेप्रिशिएट करो 30th September 2019 by depreciation, कितनी वैल्यू आएगी इसकी 5,000। कैसे करेंगे, 1 lakh का 10% एंड 6 months 5,000, ठीक है ये बात, आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद सेल की एंट्री करेंगे, सेल कहाँ आ रही है, वो भी यहाँ एसेट की एंट्री कर, सेल की बैंक डेबिट टू एसेट, वैसे भी यही लिखा हुआ, परचेज यहाँ टू बैंक, सेल यहाँ बाय बैंक, बाय बैंक कितने पे करी, 60,000। तीन स्टेप्स हैं सेल पे, पहला स्टेप है उसको डेप्रिशिएट करना, दूसरा स्टेप है सेल की एंट्री पास करना, तीसरा स्टेप है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैलकुलेट करना। एसेट हमारी कितने की थी इस साल, 80,000 की, क्योंकि तो 1 वाली 90 की रहेगी, 90 वाली 80 की रहेगी, 80 वाली 5 और कम हो गए 75 की रहेगी, 75 इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ऐसा ही है। 75 की एसेट को हमने 60 में सेल किया, मैंने उस दिन बताया था आपने सेल प्राइस को पोस्ट प्राइस से नहीं कंपेयर करना है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, आपने बुक वैल्यू से कंपेयर करना है, 1 lakh से नहीं कंपेयर करेंगे, बिकॉज 1 lakh की एसेट यहाँ 90 गिरेगी, 90 वाली है 80 गिरेगी, 80 वाली को फिर यूज किया माइनस किया 5,000, कितने की रह गई 75 से कंपेयर करो सेल प्राइस को, हमने कितने की एसेट सेल की है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ 15,000, यहाँ हम लिखते हैं लॉस यही आएगा, लॉस ऑन सेल इस क्रेडिट साइड पे आएगा 15,000, इससे आपके दोनों साइड जो है वो मैच कर जाएंगी। आई होप आई एम क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल सम। इसमें एक ही मशीनरी थी, उसको परचेज किया, उसको डेप्रिशिएट करते रहे, एट द एंड उसको सेल कर दिया, देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस मींस देयर इज नो मशीनरी विद अस, ठीक है ये बात, देयर इज नो बैलेंस, बैलेंस है तो मशीनरी है, यहां बैलेंस था मशीनरी हमारे पास थी डेप्रिशिएट किया, यहाँ बैलेंस था डेप्रिशिएट किया हमारे पास थी, यहाँ बैलेंस है ही नहीं मशीनरी नहीं है सेल कर दी हमने। आगे जाके समझ आएंगे जहाँ पे मशीनरी 2, 3, 4 होंगी, एक आध सेल कर देंगे, 2-3 बच जाएंगी बाकी, वो फिर यहाँ उसका बैलेंस आ जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, कैसे एसेट का परचेज करना है, डेप्रिशिएट करना, बैलेंस निकालना, ओपनिंग बैलेंस डेप्रिशिएट, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस सेल, सेल करने से पहले डेप्रिसिएशन, कितने टाइम का जितना यूज हुआ, ये मैं सिर्फ सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज भी एसेट जितनी यूज होगी उतनी ही डेप्रिशिएट होगी। अगर सपोज ये वाली एसेट परचेज इस दिन ना की होती, मान लेते हैं ये परचेज की होती 1/10/17 को, बुक्स ऑफ अकाउंट तो 31st March पे क्लोज होने थे, तो यहाँ पे एसेट को कितनी देर के लिए डेप्रिशिएट किया होता, 6 months, कहां से बने 1/10 से लेकर 31st March 18 तक,
सिर्फ सिक्स मंथ्स का यहाँ डेप्रिशिएट करते, अगले साल पूरा डेप्रिशिएट करते जितने यूज हुई है। इट मींस आपने जब एसेट परचेज की है तब और जब सेल की है तब नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने नहीं भूलने हैं। वहां पे हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज किया एसेट को, एसेट विल बी ऑलवेज डेप्रिशिएटेड फॉर द टाइम पीरियड फॉर विच इट हैज बीन यूज इन द बिजनेस फ्रॉम द डे इट हैज बीन पुट टू द यूज इन द बिजनेस। एम आई क्लियर? ठीक है, उसके बाद एसेट को फिर यूज करते रहेंगे। अगर जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 110 होता तो यहाँ 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होती, अगले साल पूरी होती, यहाँ पे फिर 6 मंथ्स की होती। अगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ सेल चेंज करके मैं 31 December 19 कर दूं देन क्या चेंज आएगी? 9 मंथ्स बन जाएंगे, यहाँ से लेकर 14 से 31 December 9 मंथ्स बन जाएंगे। कैलकुलेशन ये मंथ्स की परसेंटेज की इतनी फास्ट होनी चाहिए ना, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है ना उसका अकाउंट्स का पेपर कभी रहेगा नहीं, आधा घंटा पहले पूरा होगा। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है ना उसका भी पूरा भी नहीं होगा। जब तक आप 10,000 को लिख लिख के प्लस कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके कर रहे हो ना, तब तक नहीं बात बननी। वो नंबर ऑफ मंथ्स किसमें कितने दिन है, किसमें 30 दिन है, वो ऐसे मत किया करो। याद कर लो 4 तो महीने जिसमें 30 दिन है, एक ढाइयों वाला बग के सारे गतियों वाले नहीं, सोके सोके पाड़े याद कर लो ना। 30 वाले पर भी वाला ढाई उत्ती का है ही, 30 वाले कौन से, अप्रैल 30 का है, जून 30 का है, सितंबर 30 का, नवंबर 30 का, बस बाकी सारे 31 days। ये चीजें आपको इफेक्ट करेंगी, ये मार्क्स नहीं कटेंगे, ये आपको पता नहीं था, आप लेट हो जाओ, मार्क्स थोड़ी कटने, आंसर तो आपने दे ही देना है। कौन किसी को याद होगा, कोई यहां से देख लेगा, यही करोगे आंसर भी गलत हो जाएगा, आप टाइम वेस्ट कर दोगे। आप यहां नहीं कटवाओगे, आप कहीं कुछ और छोड़ के आ जाओगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। नहीं, एक फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है, लीप ईयर 29 का होता है, 28 का होता है, एक 4 महीने 30 दिन के होते हैं जी, बड़ी सिंपल सी बात। वो 4 महीने एक अप्रैल का होता है, एक होता है जून का, एक होता है सितंबर, एक होता है नवंबर, बाकी सारे जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये 7 महीने 31 के होते हैं। ये चीज़ें आपकी कैलकुलेशन से फास्ट करेंगी, परसेंटेज जितना आप लिख लिख के करोगे उतना आप लेट हो जाओगे, जितनी कैलकुलेशन आप लिख लिख के करोगे उतना आप लेट हो जाओगे। अभी तक आपको चला नहीं होगा पता, शायद कैश बुक में चल गया हो पता, शायद ट्रायल बैलेंस में चल गया हो पता, आप पहले वहां अमाउंट्स लिख रहे थे, उसके बाद आप कहीं और जाके रफ में साफ साफ लिख रहे थे, फिर आप कर रहे थे। जिसके मार्क्स मिलने थे वो गंदा गंदा कर रहे थे, जो रफ काम था वो साफ साफ कर रहे थे, ऊपर से जो मिस्टेक्स हो रही लिखने में वो अलग से हो रही, ऐसे हो रहा था। कैश बुक ऐसे हुआ होगा, आगे यहां भी ऐसे होगा, आगे जाके चैप्टर आ जाएगा, वहां तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप दोबारा करो, इतनी आइटम प्लस करनी पड़नी है आपको, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़नी है। आप सोचो कि मैं इसको सबको यहाँ पे हमी लिख लूँ, फिर मैंने साफ साफ लिखूँ कि वहाँ जहाँ रफ बग साफ साफ है ना, मीन्स वो हो गया जब शादी में जा रहा हो तो गंदे से बन के चले जाओ, सोना हो तो सारे गहने पागस हो जाओ, अच्छे से कपड़े पागस हो जाओ, वो वाला हिसाब हो गया है ना। जिसके मार्क्स मिलने हैं जहाँ लोगों ने देखना है वहाँ कपड़े नहीं सोने पाए, और जहाँ मार्क्स नहीं मिलने हैं किसी ने देखना वहाँ बड़े अच्छे कपड़े पागस हो गए सो गए, उसको देखना है किसी ने नहीं। कैलकुलेशन से फास्ट कर लेना, अगर आपने अकाउंट से मार्क्स लेने हैं तो है कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन सारी गेम है, सारी गेम कैलकुलेशन की, वो फास्ट कर लीजिए। बस एक बंदा फिगर्स बोले आप साथ में ऐड करते होने चाहिए, एक बंदा बोले इतने परसेंटेज इतने मंथ्स का निकालो, आप बोलो मैं क्वेश्चन खत्म करूँ, आप आंसर दे दो, ये होना चाहिए और ये होगा। ये मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं सेट कर रहा हूँ, आप देखने जो कोशिश करेगा, आपके बच्चे बीच में बैठे होंगे वही आंसर्स करेंगे, आप देखो फास्ट कर लो, अकाउंट्स का पेपर कभी नहीं होगा इनकम्प्लीट आपका अगर आपकी कैलकुलेशन से फास्ट है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो ओरल कैलकुलेशन करने की, ठीक है। सो ये चीजें हैं, ये 9 मंथ्स बन गए, 9 मंथ्स के हिसाब से इसको हम डेप्रिशिएट करते, फिर हम प्रॉफिट लॉस निकालते। अंडरलाइन दिस, आई एम रिपीटिंग इट फोर्थ टाइम, दैट द एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर द पीरियड फॉर विच इट हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। एम आई क्लियर? ठीक है, आगे हम सम करें, कोई बुक का सम करें। एक सम नंबर ये नहीं है आपका, यस
एक कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, ये दे दिया हो। कई बार आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया नहीं होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, तब कैसे करना है? तब उसका फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ आपको, उसके आपके आपसे दो तीन समझ हो जाने उससे। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट दिया, फॉर्मूला इज d इज इक्वल टू c माइनस s ओवर n, हियर d इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, लिख लीजिए d इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, d डेप्रिसिएशन, c मींस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, s मींस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है कि जब एसेट हमारी उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी किस रेट उसको हम स्क्रैप में बेच देंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ये। स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू, RESIDUAL, रेजिडुअल वैल्यू विच इज एस्टिमेटेड प्राइस। कि अगर हमारी एसेट की लाइफ 10 साल है, सपोज 10 साल के बाद क्या मिलेगा इसका, 500 मिलेगा, 1000 मिलेगा, एस्टिमेटेड है। एन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट, आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, D is same, C is same। पहले हम D निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जितनी ही आएगी उसकी हेल्प से हम R निकालेंगे, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इससे ही निकाल सकते हैं, है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस से इससे ही निकलता है, फाइन। और ये बड़ा इजीली वन मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर, बड़ा इजीली बन जाता है। सम नंबर वन दिया हुआ है आपको, सम नंबर वन में आप देखिए, इस सेज पेज नंबर इज 14.48। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज द सेकेंड हैंड मशीन फॉर 96,000, स्पेंड रुपीज 24,000 ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन। यू नो कार्टेज रिपेयर इंस्टॉलेशन चार्जेज इरेक्शन चार्जेज कैरेज वगैरह all when they are paid at the time of purchase of asset, then they are added in the cost price of asset. Very good, they are added in the cost price. So the asset is not worth rupees 96,000 but 96,000 plus 24,000 jo repair wagera ka charges the ki jo us din repair ki hai, agar baad mein repair ki ho wo nahi aani isme add hogi, theek hai। So 96,000 plus 24,000, it is 120,000 is the cost price of asset, 120,000 minus scrap value। He says estimated useful life of machine is 4 years and estimated residual value 72,000 minus 72,000 residual value divided by number of years, how many years are there, 4 years, isko 4 se divide kar diya, 120 minus 72 likh ke mat karna, kitna 48, very good, 48,000 divided by 4, it means per year depreciation is 12,000 rupees, this is the amount of depreciation, and he has said calculate the amount of annual depreciation and rate also। ek answer hamara ye aa gaya, rate calculate karne ke liye d oblique c into 100 10%, second answer ye aa gaya, done, I hope this is clear, hai na। एक आपने सम नंबर टू घर से करना है, उसमें आपने पहले ये ढूंढनी है, डेप्रिसिएशन ये भी नहीं दी हुई है, ऊपर से मशीनरी का अकाउंट पूछा हुआ है, बल जो हमने खुद सम किया बना के पहले वो बनाना है आपने, लेकिन पहले आपने ये अमाउंट और रेट कैलकुलेट करना है, समझ आ रही है बात मेरी, ठीक है। सेकेंड सम आपका होमवर्क है, हम कल को इसको चेक भी करेंगे, दोबारा भी देखेंगे इसको, तो गलती तो नहीं हुई है आपसे, मेरी बात समझ आ रही है। पहले आपने ये कैलकुलेट कर लेना है, अगर उसने रेट ना पूछा हो, ना पूछा हो, हमें नहीं चाहिए ये सम करने के लिए, हमें रेट नहीं चाहिए क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट आ गई। अगर हम रेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, किस पे करेंगे,
120 पे 120 का 10% 12 ही आएगा, मेरी बात फॉलो कर रहे हो। अकाउंट में आने के लिए रेट थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट, अमाउंट तो पहले ही निकल जानी है। सो सेकंड सम में नो नीड टू कैलकुलेट द रेट, अगर पूछा गया बात अलग है। अब फर्स्ट सम में उसने पूछा था कैलकुलेट आर आल्सो, हमने कर दिया। सेकंड सम में उसने कहा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, बाद में लिखा हुआ प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, जैसे हमने पिछला सम 3 ईयर्स से किया, हमें वहां क्या चाहिए अमाउंट ही चाहिए, तो ये निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप ये निकालोगे इसको फिर कैलकुलेट करोगे फिर भी यही आएगा, नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट unless it is asked for, that is separate issue, ठीक है। ये निकाल के पहले अमाउंट, उसके बाद जैसे आपने सम किया पिछला जो मैंने लिखवाया था वो आपने करना है। और इस सम में उल्टा और इजी है, इजी क्या है, इस सम में सेल भी नहीं की गई, आपने तीनों सालों के बैलेंसेज ही निकाल देनी है। टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस क्लोजिंग, टू बैलेंस नोट डाउन डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, दैट्स ऑल, सेल नहीं किया गया, बिल्कुल सिंपल है, करोगे है ना। ऐसा ही सम नंबर 1-4 भी आपने करना है। सम नंबर फोर में सिर्फ आपको एक साल का पूछा गया, आप देखिए क्या लिखा है वहां पे, सेज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019। एक साल का पूछा गया सिर्फ, 1st अप्रैल 18, आप देखिए डेट ऑफ परचेज क्या है 1st अप्रैल 18 और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31st मार्च 19, एक ही साल का पूछा गया है। परचेज द सेकेंड हैंड मशीनरी, किस साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। 1st अप्रैल 18 स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल, क्या करोगे इसी में ही ऐड कर देंगे, मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी विल बी 40 + 10 = 50। 30th सितंबर परचेज एडिशनल मशीनरी, ये भी डेबिट साइड ही आएगी है ना। और ऐसे जब दो मशीनरी हो ना उसको M1 M2 लिख लेते होते हैं हम, कल इसको और एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट को। देन 31st दिसंबर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी, कुछ नहीं करेंगे इसको, बिकॉज दिस रिपेयर हैज बीन पेड आफ्टरवर्ड्स। रिपेयर अगर सेम डेट पे की जाए ना उसको कॉस्ट में ऐड करते होते, देन दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर उसको बाद में पे किया गया है वो उसको छोड़ देना है, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। देन लास्ट एट द लास्ट ही सेज 31st मार्च 19 को डेप्रिसिएशन मशीनरी एट देन 10%, उसको डेप्रिसिएट कर देना दोनों मशीनरीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, करोगे इसको, ठीक है। इसको भी करना, हम चेक करेंगे कल आपकी प्रॉब्लम सुन के, आगे उसके बाद चलेंगे। Then he says, sum number 5 एक आपने करना है। Sum number 5 में an asset was purchased on this date for 10,500. The scrap value was 500 at the end of assets 10 years life. ये वाला formula लगेगा। End 10 years होगी अब, ठीक है? The asset was sold for ₹600 on 31st March 19. 31st March 19 को asset sale कर दी गई ₹600 पे। He says, calculate the following. The depreciation expense for the year 31st March 13, उसे एक पर्टिकुलर साल का कितना डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट करना है। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31st मार्च 17 कितनी बुक वैल्यू थी, एंड द गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन 31st मार्च 2019, जब सेल किया गया तब एसेट पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। जैसे हमने अकाउंट बना के किया, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसने यहाँ अकाउंट किसी हाल में नहीं पूछा, उसने पूछा अकाउंट 10 साल का अकाउंट बनाओ, उसने कहा वैल्यूज निकाल के दे दो। आप देखना कि आप बिना अकाउंट के वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो क्या, आप कर सकते हो, हमने उसकी एग्जांपल ली थी, आपने तब किया भी था, आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, अकाउंट नहीं बनाना। ये 3-4 सम जो मैंने दिए हैं आपको, ये आपका होमवर्क है, हम कल को इन्हीं सम्स को डिस्कस करेंगे, आपने करके आने हैं, सही गलत नहीं देखना आपने। आप सारे सम्स गलत करके आ जाना चलेगा, मैं ठीक कर दूंगा, आप नहीं करके आओगे तो मैं कुछ नहीं कर दूंगा, मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। आप ये समझ करके आना, फिफ्थ सम आपने देखना कि बिना अकाउंट बनाए कैसे करना। उसने ये नहीं कहा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट कैलकुलेट गेन और लॉस, उसने कहा कैलकुलेट गेन और लॉस बिना अकाउंट बनाए, करके आना, मैं इसको आपको इस तरीके से बताऊंगा कल को, पहले आप करके आओगे तब, ठीक। मैम प्लीज।